दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नेविक 2022 फॉर्म फिलअप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर दोस्तों अस नेविक जनरल ड्यूटी नेविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक थ्रो कोस्ट गार्ड एनरोल्ड पर्सनल टेस्ट CGEPT 01/2023 बैच एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन फॉर्म 8 सितंबर 2022 से 22 सितंबर 2022 तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो नेविक जनरल ड्यूटी की 10+2 पास विथ मैथ एंड फिजिक्स फ्रॉम ऑन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिलिंग ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE। और यहाँ पर नेविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए क्लास 10th पास फ्रॉम ऑन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और यहाँ पर जो है यांत्रिक के लिए क्लास 10th पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड। और यहाँ पर आपको या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग। और यहाँ पर दोस्तों ड्यूरेशन 3 और 4th ईयर अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल AICTE से होना चाहिए या 10th, 12th पास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड काउंसलिंग बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSE एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन के लिए, यहाँ पर आपके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिप्लोमा फॉर रिक्वायरमेंट इन यांत्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिस्ट है वो डिप्लोमा के लिए यहाँ पर जो दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर। यहाँ पर नेविक GD नेविक DB एंड यांत्रिक के लिए बोर्न बिटवीन 1 मई 2001 से 30 अप्रैल 2005, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अपर एज लिमिट के लिए 5 वर्ष SC ST, यहाँ पर 3 ईयर OBC, इन लोगों को छूट मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर पोस्ट नेविक जनरल ड्यूटी जनरल की 87, यहाँ पर EWS 23, OBC 48, 32, तो यहाँ पर टोटल 222। तो यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो सभी यहाँ पर दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेना है, अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फिर अपना क्रिएट अकाउंट बनाना है। दोस्तों आपको फॉर्म भरने की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेम कैंडिडेट नेम डाल देना है, आपका जो नाम रहेगा मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी मार्कशीट के अनुसार ही डालें। यहाँ पर आपका जो फादर्स नेम आएगा, यहाँ पर मदर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पर कंफर्म वैलिड ईमेल आईडी आ जाएगी, यहाँ पर अपना वैलिड मोबाइल नंबर डालना है 10 अंकों का। उसके बाद में यहाँ पर जनरेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल के आपको वेरीफाई करना है, सबमिट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है उस पर OTP जाएगा, वो OTP डालकर आप सबमिट करेंगे, फिर आपके सामने साइन इन का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो ईमेल आईडी होती है या मोबाइल पर SMS आ जाएगा, आपका पासवर्ड लिखा रहेगा उसमें, तो यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और ये कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल करेंगे। अगर कैप्चा कोड समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर रिफ्रेश करके नया कैप्चा ला सकते हैं, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों
जैसे ही लॉगिन करेंगे फिर आपके सामने रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रहेगा बिटवीन 8 से 16 अक्षरों के बीच में होना चाहिए, जिसमें एक नंबर रहेगा, एक कैपिटल लेटर डाल सकते हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर @#% इनमें से एग्जांपल दिया हुआ है तो यहाँ पर डाल के कन्फर्म डाल के कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे लॉगिन करेंगे फिर यहाँ पर वेलकम टू ICG CGEPT 01/2023, तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप पहली बार चैनल पे हो, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आपको सेकेंडरी ईमेल आईडी देना हो तो दे सकते हैं, यहाँ पर अल्टरनेट नंबर देना चाहो तो दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप मेरिट कैंडिडेट है या अनमेरिड वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर चाहो तो दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको आईडी कार्ड, यहाँ पर इनमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, उसका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। यहाँ पर कंफर्म आईडी कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके शरीर के ऊपर कोई निशान होना चाहिए तो उसको यहाँ पर आपको डाल देना है, जैसे आपके चेहरे पर, हाथ पे तिल है कहीं पर, जैसे मॉल ऑन फेस आपके चेहरे पे तिल है तो ये लिख सकते हैं, अगर हाथ में है तो हाथ का लिख सकते हैं, जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो दो दे देना है। उसके बाद में कैंडिडेट कैटेगरी, आप अनरिजर्व है या ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर से। उसके बाद में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th की मार्कशीट वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट एम्प्लॉय टाइप, आप गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है, इनमें से अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको अनएम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अपलोड आईडी प्रूफ, यहाँ पर आपको जो आईडी प्रूफ आपने ऊपर चॉइस किया है, जिसका नंबर डाला है, वो चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर अपलोड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, मार्कशीट जो भी आप देना चाहें, इसका साइज आप देख सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर 10 से 100 KB के अंदर होना चाहिए तो अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद में सेव करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेप आती है, पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर वैकेंसी कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पर नेविक डीबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नेविक जीडी या यांत्रिक, वो यहां से अपने पोस्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। यहां पर क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, उसके बाद में सेव करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर दोस्तों यहां पर अगली स्टेप आती है आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहां पर आपको 10th क्लास की डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर डिड यू पास इन क्लास 10, तो यहां पर पास्ट है, आप यस करेंगे। यहां पर सेलेक्ट एजुकेशनल बोर्ड, यहाँ पर अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यहाँ पर प्लीज़ इंडिकेटेड ग्रेडिंग सिस्टम अस पर मार्कशीट, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम आता है तो यहाँ पर ग्रेड ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज में रिजल्ट आता है तो वो यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डू हैव एजुकेशनल मार्कशीट फॉर 10th की मार्कशीट है तो यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10th क्लास का आपका एंटर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम डालना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे आपका हिंदी, इस तरीके से अपना सब्जेक्ट टाइप करेंगे। यहाँ पर ऑप्टेन मार्क, पर ऑप्टेन मार्क कितने नंबर आए आपको, इस तरीके से मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था 100, इस प्रकार से आपको ऐड सब्जेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पर इस तरीके से आपको 10th क्लास के जितने सब्जेक्ट है वो ऐड करते जाना है आपको, इस तरीके से अपने सारे सब्जेक्ट के नंबर डालना है। और उसके बाद में यहाँ पर 12th क्वालिफिकेशन डिटेल, 12th पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको डिड यू पास इन क्लास 12th यस करेंगे। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पर
आपका किस में रिजल्ट आता है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एडिशनल मार्कशीट ऑफ ट्वेल्थ अगर ये हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके पास में एडिशनल मार्कशीट फॉर ट्वेल्थ में है तो अपने ट्वेल्थ क्लास के जो नंबर है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क और यहाँ पर मैथमेटिक्स के ऑप्टेन मार्क और यहाँ पर मैगजीम मार्क, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपका हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर हो वो आ जाएगा। यहाँ पर लैंडमार्क, यहाँ पर फ़ोन नंबर विथ एरिया कोड अगर हो तो डाल सकते हैं। यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड आएगा। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना है। अगर आपका ऊपर जो एड्रेस डाला है, एड्रेस परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो इस डब्बे पर टिक कर सकते हैं। अगर अलग अलग डालना हो तो अलग भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको डोमिसाइल स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों फिर अगली स्टेप आती है एडिशनल पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर आप एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो पर टिक करना है। यहाँ पर आप सैनिक स्कूल से हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इन पर सब पर नो करेंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डू यू हैव स्विंग, आपको तैरना आता है तो इस पर यस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इस पर भी नो करेंगे, यहाँ पर भी नो करेंगे, इन सब पर आपको नो कर देंगे। ये अपने अकॉर्डिंग आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इन सब पर नो करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर का साइज है और फ़ोटो का साइज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जेपीजी फॉर्मेट रहेगा, यहाँ पर 10KB से 100KB के अंदर आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपलोड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। यहाँ पर स्कैन सिग्नेचर और यहाँ पर अपलोड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आपको ये तीनों चीज़ अपलोड करना है। आपका ध्यान रहेगा आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर स्लेट पट्टी पर आपको पकड़ के यहाँ पर ऊपर नाम लिखा रहेगा आपका। यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ फ़ोटो, जो फ़ोटो खिंचाने की डेट है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे दोस्तों, इसी प्रकार की आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो फ़ोटोग्राफ का है वो फाइल नेम आपको ये रखना है, ध्यानपूर्वक आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर का, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन का, इसको आप चाहो तो कॉपी करके रीनेम करके ये लिखना पड़ेगा आपको, तब आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। तो यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो आपको अपलोड करना है इस तरीके से। फिर आपके सामने ये आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर आप अगर कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन तो ये इस पर क्लिक करेंगे, अगर सही है आपका फ़ोटो तो। इसके बाद में आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरीके से आपको, अगर आपका फ़ोटो सही से नहीं आ रहा है तो। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू इमेज, इस पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगली स्टेज आती है सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ाम सिटी। तो यहाँ पर आपको इन पांचों सिटी सेलेक्ट करना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको ये पांचों सिटी सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर्स रेडियस, तो इसको यस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आप जैसे सेव करेंगे, फिर यहाँ पर दोस्तों बेस्ट जोन में ये आप जैसे ही यस करते हैं तो यहाँ पर ये इनमें से आपको तीन सिटी सेलेक्ट करना, फिर उसके बाद में यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट करके आपको सेव नेक्स्ट सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन सो ऑल, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स आपने भरी है वो एक बार चेकआउट कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स डाली है वो एकदम सही है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी सिटी, यहाँ पर अपनी सिटी का नाम डालना है और इन सारे डब्बों पर आपको
क्लिक कर देना है ये इंस्ट्रक्शन को, आप चाहो तो पढ़ लेना है। इन पे क्लिक करने के बाद में प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक बार प्रिंट प्रीव्यू देख लेना है। आपको इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ से, पर आपको ये पढ़ लेना है। इन सब पर आपको यस कर देना है, उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों इनको पढ़ लेना है, इसके बाद में यस नो आपको कर देना है, उसके बाद में सेव करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन इन डब्बों पर आपको टिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको हैव यू सीन द प्रिंट प्रीव्यू बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो यहाँ पर यस यस यहाँ पर इन सब पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में कंफर्म डिटेल इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों फिर आपको प्रीव्यू सबमिट हो चुका है, तो यहाँ पर प्रीव्यू सबमिटेड काइंडली मेक पेमेंट बिफोर पेमेंट डेट 22 सितंबर 2022 से पहले आपको पेमेंट कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको पेमेंट गेटवे यहाँ से कोई एक सेलेक्ट करना है और उनसे उसके बाद में यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से पेमेंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आपको करना है, जैसे डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपने कार्ड की ये डिटेल्स डाल के मेक पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप फाइनली पेमेंट करते हैं अपने फॉर्म की, तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में सेव करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक नेविक 2022 के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।